मुकर्रर आ जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम चीज़ों से बाखबर है जिसको तुम कर रहे हो। तो ये ज़िंदगी की ऐसी हकीकत है कि जिससे हर किसी को गुजरना है। मौत एक ऐसा दरवाज़ा है कि जिस दरवाजे में हर किसी को दाखिल होना है। अक्लमंद और होशियार आदमी वही है जो इस मौत के लिए और इस मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए सबसे बेहतर तैयारी करता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अंसारी शख्स ने सवाल किया, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बेहतरीन और अच्छे लोग कौन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अहसनुहुम अखलाका, कि जिनके अखलाक सबसे अच्छे हों वो लोगों में सबसे बेहतर इंसान है। दूसरा सवाल उस सहाबी ने किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में और मोमिनों में अय्युल मोमिनीन अक्यस, सबसे ज़्यादा अक्लमंद और होशियार कौन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अक्सरुहुम लिलमौत ज़िक्रा व अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तेदादा, कि मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद और होशियार वो शख्स है जो मौत के लिए सबसे ज़्यादा और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाला हो, वही हकीकत में सबसे ज़्यादा अक्लमंद और होशियार है। तो इस मरहले के लिए, मौत और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए हम में से हर एक शख्स को तैयारी करनी चाहिए और इस लम्हे